हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू इंट्रेडर। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ स्कैनर। हमारा जो स्कैनर है, हमारा एक्चुअली दो स्कैनर है, एक 1.1 वर्शन एंड 1.2 वर्शन। अभी जो स्कैनर हम यूज़ कर रहे हैं, अभी इसमें मैंने ओपन किया, वो हमारा 1.2 वर्शन है। तो मैं इसके साथ 1.1 वर्शन भी आपको दिखाती हूँ, कैसे यूज़ करते हैं आप इसको, कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट मैं आपको हमारा फर्स्ट स्कैनर दिखाती हूँ। ये दिस इज़ अवर फर्स्ट स्कैनर। तो इसमें आप 100 सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, वेदर वो MCX होगा या NSE होगा या फॉरेक्स कॉमेक्स, जो भी आप जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं। एक मार्केट लिस्ट बनाइए। तो मार्केट लिस्ट मीन्स ये जो जो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, ये दिस इज़ अ मार्केट वॉच। मार्केट वॉच में जो जो आप ऐड करते हैं, स्कैनर सेट करते टाइम पे ऑटोमेटिकली वो स्कैनर में आ जाएगा। तो ये जो 1.1 स्कैनर हमारा फर्स्ट हमने रिलीज किया था, 1.1 स्कैनर हम 13 साल से कर रहे हैं, सॉफ्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, एंड फर्स्ट टाइम हमने ये 1.1 स्कैनर रिलीज किया था हमारा वर्जन 8.0 के साथ। अभी वर्जन 8.1 एंड स्कैनर 1.2 है। तो ये 1.1 स्कैनर में 100 सिंबल्स आपने ऐड किया तो उसमें आपको सिग्नल्स नहीं मिलेगा, वो ट्रेंड दिखाएगा। आपको चार्ट ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें आपको ट्रेंड दिखाएगा, वो भी साइडवे के इंडिकेशन के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी, अभी फॉर एग्जांपल ऊपर का देखिए, यूरो यूएसडी अभी यहाँ पे साइडवे बाय चल रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे ट्रेंड बाय है लेकिन साइडवे है। USD JPY सेल ट्रेंड सेल है, साइडवे होगा तो साइडवे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। MNAG मीन्स शॉर्ट फॉर्म है नेचुरल गैस, MCX नेचुरल गैस में बाई ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड अभी ट्रेंड को दिखा रहा है, इस नॉट इंडिकेटिंग द सिग्नल, ट्रेंड दिखा रहा है, वो भी 5 मिनट है। मैंने यहाँ पे ओपन किया है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, वहाँ पे अभी क्या ट्रेंड दिखा रहा है वो आप देख सकते हैं। ट्रेंड बाय चल रहा है, कॉपर में बाय चल रहा है, सिल्वर में बाय है लेकिन साइडवे है, निफ्टी में ट्रेंड बाय चल रहा है, ACC में साइडवे सेल है, ट्रेंड सेल है लेकिन साइडवे है, अदानी पोर्ट में ट्रेंड बाय ट्रेंड ही चल रहा है, एशियन पेंट में ट्रेंड सेल है, एंड भारती एयरटेल साइडवे बाय चल रहा है, BPCL बाय ट्रेंड चल रहा है, सॉरी साइडवे बाय चल रहा है। तो इसी तरह साइडवे बाय होगा, साइडवे सेल होगा, तो इसी तरह इंडिकेशन आपको मिलेगा, सिग्नल नहीं इंडिकेशन आपको मिलेगा। तो वहाँ पे ये आप जिसमें आप ऐड करते, जो आप ऐड करते हैं, 1.1 स्कैनर के बारे में बता रही हूँ। 1.1 में आपको सॉरी सिग्नल नहीं मिलेगा, ट्रेंड का इंडिकेशन मिलेगा, साइड होगा तो वो भी आपको पता चलेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ स्कैनर 1.1, जो फिलहाल हम जो यूज़ कर रहे हैं 8.1 के साथ स्कैनर 1.2, वो आपको दिखाती हूँ। इसका कैपेसिटी 75 है, मीन्स आप 75 सिंबल्स, वो चाहे तो MCX, CNSE, Forex, Comex, जो भी है, आप इसमें मार्केट लिस्ट में ऐड किया तो ऑटोमेटिकली स्कैनर में आ जाएगा। यह स्कैनर 1.2 वर्जन, इसमें आपको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल जनरेट करके मिलेगा। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल मीन्स इसमें एक डायरेक्ट एंट्री है, डायरेक्ट एंट्री मीन्स एरो के साथ जो सिग्नल आते हैं, सॉरी एरो के साथ ये जो सिग्नल आते हैं इसको हम डायरेक्ट एंट्री कहते हैं। इसके अलावा सेकंड टाइम में री एंट्री सिग्नल्स मिलेगा, थर्ड हमें ट्रेंड लाइन यूज़ करके भी सिग्नल मिलेगा। इसमें थर्ड वन आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन यूज़ करके जो सिग्नल आते हैं वो रिस्की है, तो वो आपको अवॉइड करना होगा। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नल, न्यू सिग्नल जनरेटर के नीचे इसी तरह सिग्नल मिलेगा हमें। यूरो यूएसडी बाय, ACC सेल, गोदरेज प्रॉपर्टी सेल, आई बुल बाय, तो ये में भी डायरेक्ट एंट्री होगा या री एंट्री होगा या ट्रेंड लाइन यूज करके भी सिग्नल दिया होगा। यहाँ पे बाय दिखाया मीन्स डायरेक्ट जाके आप बाय मत कीजिए, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, डायरेक्ट ट्रेड मत कीजिए। आपको चार्ट ओपन करके देखना होगा, यहाँ पे जो बाय दिया हो मे बी डायरेक्ट एंट्री होगा, डायरेक्ट एंट्री होगा तो कंफर्मेशन चेक करके आप ट्रेड ले सकते, री एंट्री होगा तो भी ले सकते, ट्रेंड लाइन सिग्नल होगा तो अवॉइड करना होगा। तो फर्स्ट सिग्नल का मैं आपको दिखाती हूँ, यूरो यूएसडी यहाँ पे बाय दिखा रहे हैं, 1.07 पे दिखा रहे हैं। तो ये यूरो यूएसडी यहाँ पे ऊपर लिखा है, ये जो 3 बार्स है ना, वहां पे क्लिक किया तो डायरेक्ट ये विंडो ओपन होगा। तो वहां पे विंडो ओपन करके देखिए, वहां पे जो सिग्नल दिया है वो डायरेक्ट एंट्री, री एंट्री या ट्रेंड लाइन यूज करके दिया, वो चेक करने के बाद हम डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ, ओपन किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूरो यूएसडी में 1.0717 पे एक बाई दिया है,
चार्ट ओपन किया तो आप देखिए बाय एरो है, ऊपर देखिए बाय हमें मिला है 1.071 पे, दिस दैट इज द डायरेक्ट एंट्री, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट एंट्री, क्योंकि एरो भी यहाँ पे मिला है, प्राइस भी सेम है, स्कैनर में दिया है 1.071 पे बाय, चार्ट ओपन किया तो यहाँ पे यूरो यूज्ड में बाई सिग्नल एरो के साथ बाई मिला है, और ऊपर देखिए बाई प्राइस भी सेम है 1.071, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट एंट्री, इसको हम ले सकते हैं कंफर्मेशन चेक करने के बाद। यहाँ पे फिलहाल कंफर्म नहीं है, बाई सिग्नल दिया है, यहाँ पे नीचे बाई होगा तो बाई प्राइस इन बाई जोन करके लिखा हुआ आना चाहिए, सेकंड कंफर्मेशन एरो के नीचे जो बार है वो ग्रीन आना चाहिए, फिलहाल यहाँ पे ग्रीन मिला है, लेकिन नीचे का फर्स्ट कंफर्मेशन प्राइस बाई जोन नहीं है, नो जोन है, नो जोन मीन्स साइडवे का इंडिकेशन है, तो ये अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के साथ दिखा रही, दिस इज द डायरेक्ट एंट्री, क्योंकि वो सिग्नल के साथ एरो के साथ जो आते हैं इसको हम डायरेक्ट एंट्री कहते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल यूरो यूएसडी को ही लेती हूँ, नहीं हम सेकंड लेते हैं जो किस में INR में देखती हूँ, मैं आपको डायरेक्ट एंट्री आपको दिखाया, अभी यहाँ पे देखिए INR में बाय दिखा रहे 83.4425 पे, तो INR हम ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे मैं INR ओपन किया है, यहाँ पे भी बाई सिग्नल है, दिस इज द डायरेक्ट एंट्री, बाई सिग्नल एरो मिला है 83.44, अब देखती है वहाँ वही है 83.45 में INR में, यह इंडियन करेंसी है, INR में बाई दिया है, तो हम चार्ट ओपन करके देखा, यहाँ पे बाई एरो के साथ बाई मिला है, एंड बाई प्राइस भी सही में 83.45, लेकिन वो सिग्नल कन्फर्म नहीं है, दिस इज द डायरेक्ट एंट्री। इसी तरह चार्ट ओपन करके आपको कन्फर्मेशन चेक करना होगा, डायरेक्ट एंट्री या री एंट्री देखने के बाद आपको ट्रेड ले सकते हैं, फिलहाल ये डायरेक्ट एंट्री है लेकिन कन्फर्म नहीं है। सेकंड हम लेती हूँ GBP INR को देखती हूँ, GBP INR 97.94 पे बाय दिया है, ये भी मैंने ओपन किया है, सेम है डायरेक्ट एंट्री, क्योंकि बाई सिग्नल है बाई एरो के साथ, यहाँ पे एरो मिला है 97.97, दिस इज द डायरेक्ट एंट्री लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है, दोनों कन्फर्मेशन नहीं है ना, प्राइस भी बाई जोन में नहीं है, बार का भी कन्फर्मेशन नहीं है, एंड साइडवे का इंडिकेशन है, इसलिए आप कन्फर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया है ना कैसे डायरेक्ट एंट्री कैसे चेक करते हैं। तो मैं आपको दूसरा देखती हूँ, आईबुल दिखाती हूँ, आईबुल हम ओपन करके देखते हैं, अभी देखिए आईबुल में यहाँ पे स्कैनर ने बाय दिया है 117.05 पे बाय दिया है, तो चार्ट ओपन करके देखते टाइम पे यहाँ पे बाय सिग्नल नहीं है, कल का एक सेल सिग्नल कंटिन्यू चल रहा है, दैट मीन्स ये ट्रेंड लाइन यूज करके स्कैनर ने बाय दिया है आईबुल में, क्योंकि ये आप देखिए यहाँ पे एक रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन है, ये रेड लाइन डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहे हैं, ग्रीन लाइन अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये यहाँ से मात्र रिवर्स ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ऊपर जा रहा है, ट्रेंड ऊपर जा रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन यूज करके स्कैनर ने आईबुल में यहाँ पे बाय सिग्नल दिया है, तो वो हमें अवॉइड करना होगा, इसी तरह के सिग्नल हमें अवॉइड करना होगा, ये ऑटोमेटिक ये चला जाएगा, क्योंकि एक सिग्नल आने के बाद कुछ टाइम के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक स्कैन होते जाते हैं ना, इसलिए तो यहाँ से ये मैंने आपको दिखाई ये ट्रेंड लाइन यूज करके स्कैनर ने बाय दिया, तो इसी तरह के सिग्नल आपको अवॉइड करना चाहिए। तो अभी फिलहाल मैं आपको री एंट्री का भी एक दिखाती हूँ, यहाँ पे है GBP INR दिखाती हूँ, GBP में 60.26 पे एक बाय दिया, तो वो भी हम देखती हूँ, GBP का ये ट्रेंड लाइन यूज करके दिया, क्योंकि ये सेल सिग्नल है लेकिन यहाँ पे बाय दिखा रहा है, दैट मीन्स वो ट्रेंड लाइन यूज करके सिग्नल दिया, दोनों अलग अलग सिग्नल होगा तो जल्दी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन यूज करके सॉफ्टवेयर ने सिग्नल दिया है। और एक री एंट्री का मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर री एंट्री का नहीं होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, आईपुल का हमने ऑलरेडी देखा है, तो फिलहाल यहाँ पे कोई सिग्नल तो वो डायरेक्ट मैंने अभी आपको डायरेक्ट एंट्री दिखाया और ट्रेंड लाइन यूज करके अभी दिखाया, अभी री एंट्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो दिखाती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल ये हम आईबुल को भी लिखती हूँ, आईबुल में यहाँ पे बाय सिग्नल दिया है, तो लेकिन हम चार्ट ओपन करके देखते टाइम पे यहाँ पे फिलहाल ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे आईबुल में बाई सिग्नल ही है, अभी टाइम मैं आपको 12 बजे
12 बजे हमें आईबुल में एक बाई सिग्नल दिया स्कैनर ने, लेकिन आप चार्ट ओपन करते टाइम पे बाईबुल में फ्रेश एक बाई सिग्नल नहीं है, 9:15 को ही बाई दिया था, वो कंटिन्यू चल रहा है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कंफ्यूज मत होना। मॉर्निंग में आईबुल में 9:15 का मार्केट ओपन टाइम पे बाई सिग्नल दिया, वो 12 बजे को भी कंटिन्यू चल रहा है, वो सेम ट्रेंड सेम सिग्नल कंटिन्यू चल रहा है। तो स्कैनर ने 12 बजे का हमें एक बाई सिग्नल दिया, चार्ट ओपन करके देखते टाइम पे आपको यहाँ पे आप चार्ट ओपन कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि 9:15 का जो बाई सिग्नल वो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन स्कैनर ने अभी एक बाई सिग्नल दिया, दैट इज री एंट्री, क्योंकि बाई का ही सिग्नल दिया है स्कैनर ने, मॉर्निंग का फ्रेश बाई नहीं है लेकिन बाई सिग्नल ही कंटिन्यू चल रहा है, दैट इज री एंट्री, वो री एंट्री सिग्नल है, वो री एंट्री भी आप ले सकते हैं। कन्फोसा में भी नीचे प्राइस बाई जोन बार का भी कंडीशन ओके होगा तो आप री एंट्री ले सकते हैं। तो इसी तरह आप तीन सिग्नल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री होगा तो ले सकते हैं, री एंट्री को भी आप ले सकते हैं, ट्रेंड लाइन यूज करके जो सिग्नल आते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे अभी NSD USD का बाकी मैंने सभी दिखाया आपको, NSD USD का भी मैं एक बार दिखाती हूँ, बाई दिया है 0.64 पे, NSD USD मैं ओपन करके देखती हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन यूज करके दिया है, क्योंकि NSD में ऑलरेडी एक सेल सिग्नल कंटिन्यू चल रहा है, 7 को मिला मॉर्निंग में, 7 AM को हमें मिला था वो सेल सिग्नल, वो चल रहा है अभी, रिवर्सल चल रहा है, इसलिए वो यूज करके स्कैनर ने बाई दिया। ये कौन सा सिग्नल है? ट्रेंड लाइन यूज करके दिया है। तो ये तीनों सिग्नल आइडेंटिफाई करना काफी सिंपल है, इसमें मैं अभी आपको वीडियो पे दिखा रही हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगा अगर आप परचेस करना चाहते तो, सॉफ्टवेयर देखने के बाद अगर आप परचेस करना चाहते तो पेमेंट होने के बाद एक 10 मिनट के अंदर ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में डायरेक्ट इंस्टॉल करके मिलेगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको डिटेल एक पर्सनल ट्रेनिंग सेशन मिलेगा, कैसे यूज करना है, इसमें ऐड कैसे करना है, वो काफ़ी सिंपल है। आप जो मार्केट वॉच में ऐड करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा स्कैनर में आ जाएगा, ये फॉलो करना काफ़ी सिंपल है। एंड इसमें जैसे मैंने कहा ट्रेनिंग सेशन मिलेगा, एंड मैंने अभी आपको दिखाना लाइव में ही मैंने आपको वीडियो दिखा रही हूँ, अगर आप इसमें किसी भी सेगमेंट में लाइव डेमो देखना चाहती है, स्कैनर के बारे में ज़्यादा देखना जानना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये नंबर मेरा नीचे जो डिस्प्ले है वही मेरा नंबर है, एंड माय नेम इज़ गंगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल सकते हैं। www.wintradersoft.com हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें एक रिव्यूज़ का पेज है, वो भी आप ज़रूर चेक कीजिए, वो हमारा ऑफिशियल हमारे कस्टमर्स का ओरिजिनल रिव्यूज़ है, वो भी आप चेक कीजिए। एंड इसमें आप सॉफ्टवेयर का हम जो पेमेंट ले रहे हैं वन टाइम है, उसमें अपडेशन फुल फ्री है, टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगा, ट्रेनिंग भी मिलेगा, लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलेगा, कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा। एंड अगर आप इसमें सॉफ्टवेयर जैसे मैंने कहा सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग या स्कैनर रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज होगा तो मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।